नमस्कार दोस्तों, गांगुली ने नामांकन भरने के बाद कहा है बिखरे बीसीसीआई को समेटना प्राथमिकता है। दोस्तों, गांगुली ने और क्या कहा उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष बनना तय है। सोमवार को बोर्ड के चुनावों के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी और गांगुली ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भर दिया है। उनके खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए कोई और नामांकन नहीं है और इसलिए तकनीकी लिहाज से गांगुली का बोर्ड का अध्यक्ष बनना तय है। गांगुली ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर राजीव शुक्ला के साथ यह नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद गांगुली ने कहा कि पिछले 3 साल के बीसीसीआई में जो खराब हालत थे उन्हें सुधारना और फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों की स्थिति को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनना संतोषजनक है और पिछले 3 साल में जो बीसीसीआई के हालात थे वो सही नहीं थे। यह जो टीम आई है वो मिलकर काम करेगी और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा रहेगा, यह हमारा दायित्व है। और दोस्तों, सभी तरह के चीज़ें सही तरीके से हो मेरे लिए हालांकि प्राथमिकता प्रथम श्रेणी है। क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करानी होगी, साथ ही में कोशिश होगी कि सभी चीज़ें अपनी जगह पर रहे। दोस्तों, गांगुली ने कहा कि उन्हें कभी भी बोर्ड के अध्यक्ष बनने का लालसा प्रकट नहीं थी और सदस्यों द्वारा चुने जाने पर इस पद को अपनाने के लिए वो राजी है। उन्होंने कहा कि मैंने इस पद के लिए कभी भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की थी, मौजूदा हालात और लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे काफ़ी दिन तक पता नहीं था कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, इसके बाद मुझे बताया गया कि मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी टीम यह रहेगी। मुझे सदस्यों ने चुना है, सदस्य ही हमेशा चुनते हैं, उन्होंने मुझे चुना तो मैंने हाँ कहा। सौरव गांगुली ने खिलाड़ियों के प्रशासन में आने की बात पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि खिलाड़ी अब प्रशासन का हिस्सा है, पहले भी हुआ करते थे लेकिन अब संख्या ज़्यादा हो गई है तो यह अच्छी बात है। कप्तान और बोर्ड अध्यक्ष को अलग अलग जिम्मेदारियों के बारे में पूछे जाने पर गांगुली ने कहा कि कप्तानी एक अलग चुनौती थी और यह एक अलग चुनौती है, दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, आगे राजनीति में जाने का कोई मन नहीं है। तो दोस्तों, वहीं राजीव शुक्ला ने कहा कि आज बीसीसीआई चुनावों के लिए नामांकन भरने के लिए आखिरी तारीख थी। आधिकारिक सदस्यों ने 1-2 संघों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी 8 पदों ने उन लोगों को समर्थन दिया है जिनके नामांकन पत्र में आज दाखिल किए गए हैं, उसमें सौरव गांगुली का नाम है। सचिव के लिए तो 9 साल का अनुभव बीसीसीआई के रखने वाले जयेश शाह, उपाध्यक्ष पद के लिए उत्तराखंड के महेश वर्मा का नाम है, संयुक्त सचिव के लिए केरल से जयेश जॉर्ज का नाम है, कोषाध्यक्ष के लिए अरुण धूमल का नाम है। इसके अलावा ब्रिजेश पटेल को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में चुना गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना।